लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो माहवारी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। इस दुनिया में जो भी बच्चा जन्म लेता है वो सिर्फ रोना सीख कर आता है। माँ बाप उसको हंसना, बात करना, तहजीब सिखाते हैं। इसके साथ परिस्थितियां हमें जीना सिखाती हैं। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता भी हमने नहीं चुना है, हमारे पूर्वजों का चुना हुआ है और हम सब उस पर चल रहे हैं। कमाने का कोई जरिया नहीं था, पेट भरने के लिए हम सब चोरी करते थे। उन पूर्वजों ने जो किया, आप उस रास्ते पर चल रहे हैं। समय बदला और आप सब लोग चोर बन गए। आप सब लोगों के बाप दादा पूर्वज लोग जहां भी चोरी करने गए, सब के सब मार खाकर मर चुके हैं। आसपास के सारे गांव वाले आपके दुश्मन बन चुके हैं। आप लोगों ने सिर्फ चंद लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाई है, गांव से गांव, देश से देश, बहुत सारे परिवार जो आंसुओं में डूबे हुए हैं, उनके कंप्लेन की सुनवाई आज तक नहीं हुई है। इसे रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से शुरू होकर चेन्नई के पुलिस स्टेशन तक, कहा जाए तो पूरे तमिलनाडु पुलिस की नींद उड़ाने वाले, वो अपनी जिंदगी में पीछे पलटकर देखेंगे तो रोजी रोटी के लिए अपनी जान दे दिए और बीवी बच्चे विधवा और अनाथ हो गए। आप लोग कन्नाकोल चोर थे, आज इंसान बनकर मेरे सामने खड़े हैं। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग जो गलती करते हैं, उस गलती की वजह से उसी रास्ते पर ना चले जाओ, इस बात का मुझे डर लग रहा है। स्वतंत्र होने से पहले आपको आपने जो भी गलती नहीं की होगी उसकी सजा मिली होगी, लेकिन स्वतंत्रता की बाद ही आपने गुनाह किया है या नहीं, एक आम नागरिक की तरह कार्यवाही करने के बाद ही आपको सजा दी गई है। आप लोग भी दूसरों की तरह अच्छी जिंदगी जिएंगे इस उम्मीद के साथ कि आप सब चोरी करना छोड़ देंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, ऐसा मैंने सरकार से आप सबके बारे में बात की। हम आपकी बताई जिंदगी जी रहे हैं साहब। जरा वो पेपर देना। ये क्या है? सर आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को पढ़ना नहीं आता है ना? मैं पढ़कर सुनाता हूँ।
कौन है बताओ? 6 फुट लंबा, रंग काला, बाल घुंघराले, चोर नजरें। ये क्या यार, ये डॉगी हमें देखकर भाग रहा है क्या? सब अपनी हिफाजत करते हैं। भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, थोड़ा पैसा दे दे बाबा। आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आप बहुत खुशहाल रहे मालिक। खुश रहो, खुश रहो। मालिक आप हमेशा खुश रहो, कुछ खा ले रहा बड़ा, परिवार खुशहाल रहे। खा लो, खा लो। आप जहाँ भी कदम रखें धन दौलत की नदियाँ बहें मालिक। हाँ बहने दो, बहने दो। क्या पुजारी जी, मैं भगवान की पूजा करने आया हूँ, पैर रखते ही आप दरवाजा बंद कर रहे हैं। भगवान, गांव की रक्षा का पता नहीं, लेकिन अपनी कर लेना। आरती लीजिए। हे भगवान, सबका भला कर। अरे मेरा पैसा ले गया, पैसा कहाँ गया? पैसा कहाँ गया? मेरा पैसा, अरे कहाँ गया मेरा पैसा? बार बार पापा करके मत रो, अभी तो मिठाई लेकर दिया ना, रोने का नहीं। चलो, हमेशा हंसते रहने का। आजा, ये लो। आ जाओ बिटिया, आ जाओ बैठो। ए शाबाश, रोना नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपके बाल बहुत अच्छे से काटूंगा। शाबाश शाबाश, नहीं है, आराम से बैठ जाओ। भाई बच्ची के बाल कैसे काटने हैं? टकला कर दे। अब क्या करूं? क्या हुआ? अरे जल्दी जल्दी मैं दूसरा शर्ट पहन लिया। तेरे पास साइकिल है क्या? मैं अभी पैसे लेके आता हूँ। साइकिल नहीं है, गाड़ी है। गाड़ी चलाना आता है क्या? हाँ हाँ, गाड़ी चलाना आता है। भाई अपनी गाड़ी की चाबी दो ना। दीजिए ना, अपना ही आदमी है, वापस आ जाएगा। क्या भाई, क्या सोच रहे हो? चाबी दे दो, बच्ची यहाँ छोड़कर जा रहा है, वापस आ जाएगा। क्या है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो ये जाएंगे कैसे? आप एक काम करो, लौटते समय ना गाड़ी में 50 का पेट्रोल भरवा लेना, आते समय गाड़ी बीच में रुक गई तो संभल कर जाना, गाड़ी नहीं है। मेरी बच्ची, सुनिए यहाँ है ये। इस बच्ची को टकला किसने कर दिया? पता नहीं, रास्ते में खेल रही थी, कौन उठा कर ले आया इसे और यहाँ पर आपको दे दिया। सुनो, मुझे कोई दूसरा काम नहीं है क्या? तेरा पति बच्ची को लेकर यहाँ पर आया, बोला टकला कर दो, कह कर गया कि पैसे लेकर आता हूँ, अभी तक नहीं आया। है तो मैं कौन हूँ? हैं? तेरी भाई भाई, मुझे याद नहीं आता। मेरी बात सुनिए, समझा दो इसे ठीक से। जाइए भाई, जाइए, याद रखना, इसे समझा दूंगा। अरे आप जाइए ना, मैं समझा दूंगा ना, आप भी जाइए, जाइए। 10 लगाओ, 20 पाओ, 20 लगाओ, 50 पाओ, आ जाओ। इस जगह को खाली नहीं किया तूने अभी तक, मेरे लौटते समय तू इधर नहीं दिखना चाहिए। ऐसे कैसे चला जाऊं, अभी तो जेब भरी भी नहीं। 100, 200, 300, 10 लगाओ, 20 पाओ, 20 लगाओ, 50 पाओ, आओ आओ जल्दी आओ। 10 लगाओ, 20 पाओ, बिना मेहनत के कमाओ, आओ आओ। ये भाई भी कितना गलत गणित लगा रहा है। 10 लगाओगे तो 20, 20 लगाओ तो 40 होना चाहिए ना। अब तुम 10 बढ़ाकर बोल रहे हो 50, तो गलत है ना भाई? तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुमने साबित कर दिया। ये सब मुझे पता नहीं है, इसीलिए तो रोड पर बैठा हूँ। 10 लगाओ, 20 पाओ, 20 लगाओ, 50 पाओ। एक नंबर का बेवकूफ लग रहा है। राशन की दुकान मुझे बुला रही है और ये खेल मुझे जाने नहीं दे रहा। इसका मनी बैग तो काफी बड़ा लगता है, पैसे खूब ज्यादा होंगे। मुर्गे की तरह दबोच लेता हूँ इसको। दस। अरे वाह, आप बहुत लकी हो भाई, पहले ही हाथ में 20 रुपए जीत लिए, ले लो ले लो। अरे यार, 100 रुपए रखने चाहिए थे। ठीक है, अभी भी क्या बिगड़ा है? ये ले 200। दस लगाओ, 20 पाओ, 20 लगाओ, 50 पाओ। भाई वो राशन की लिस्ट तो दे दो मुझे, घर में जो चाहिए सब उसी में लिखा है।
उधारी में लेकर घर चला जाऊंगा। ए पैसे खत्म हो गए तो इधर से कल्टी मार ले, धंधा खोटा मत कर। 10 लगाओ, 20 पाओ, 20 लगाओ, 50 पाओ। अबे तू फिर से ठगने आ गया सबको। अरे ये सही बोल रहा है भाई, हम ही लोग गलत समझ रहे हैं सब कुछ। ए चल निकल अभी। अब समझ में आ गया साहब? वो अपने गाँव वाला नहीं है, अगर होगा तो मैं उसे समझा दूंगा। देखो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो तो बेहतर है। ठीक है हम चलते हैं साहब। ठीक है जाओ। नमस्ते साहब, चलते हैं। ओके। कब तक ये सब झेलेंगे हम लोग, कुछ तो हल निकालिए भाई। साहब ने जो होलिया बताया है कौन है, समझ में आया आपके? और कौन होगा, वो धर्मा ग्रुप ही होगा भाई। अगर ऐसा चलता रहा ना तो इंस्पेक्टर के हाथों हम सबको मरना पड़ेगा, या तो हमको ये गाँव छोड़कर जाना पड़ेगा। अब आप ही फैसला कर लो करना क्या है। इन लोगों का क्या करना है? अरे एक इंसान यहाँ सोया है, बिना देखे कचरा डाल दिया। अगर तुझे सोते देख लेती तो तेरे मुंह पर ही कचरा डाल देती थी, बेवड़ा कहीं का। देखा एक औरत इतनी बड़ी बेइज्जती करके जा रही है, तुम लोगों को ये सुनकर नींद कैसे आती है? ए मुंह बंद करके सो जा भाई, तेरे ऊपर तो अनजाने में कचरा डाली ना, मेरे ऊपर तो जान बुझ कर गोबर डालकर जा रही है। अरे गलती हमारी है, हमें जगह देख कर सोना चाहिए। तुम लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं, अगर कोई गांव वाला ऐसा देख लेता ना तो मेरी इज्जत का क्या होता यार। इज्जत जा रही है करके पता है ना, तो इधर क्यों सो रहा है? ज्यादा बोलेगा ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ए दुमदा बोलती बंद हो जाएगी। अबे इमली की साइज क्या है, बेचारा समझकर तुझे पिला दिया तो मुझ पर ही रौब जमा रहा है। ए पहले इसको उठा चल। सोने की एक्टिंग करने वाले को भला कौन जगा पाएगा? तुझसे नहीं होगा क्या? नहीं जगा सकता, मैं जगा कर दिखाऊं। ट्राई करके देख। ए जल्दी उठ, कहीं वाइन शॉप बंद ना हो जाए। क्या बक रहा है बे, मैं सोया नहीं हूँ। वल्दी जब उतरती है ना तो मुझे कविताएं सूझती हैं। वो आसमान में देख वल्दी हंस रही है। अबे जरा नीचे तो देख, हम सब कचरे में बैठे हैं। कैसा आदमी है, गांव की हर लड़की तेरे मुंह पे थूक चुकी है, उसके बाद भी तुझे अक्कल नहीं आती। ये प्यार ऐसा ही होता है मामा, कोई थूके या ना थूके कोई फर्क नहीं पड़ता मामा। ठीक है समझ गया, तू गांव में बिना मार खाए सुधरने वाला नहीं है, ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं तो जा रहा हूँ। ए मामा हम सब एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, प्यार में रास्ता तो दिखाओ। अरे प्यार के बारे में पूछ रहा है। ए वल्ली, ए एक मिनट, बुला रहा हूँ ना, मुझसे नाराज है क्या? हैं? तू मेरी जान है वल्ली, ये देखकर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है? सफेद धोती, पीली शर्ट और ये पीला फूल। तुझे देखकर मेरा दिल बिल्कुल बंदर की तरह गुलाटी मारता है, समझ में नहीं आ रहा है? हे हे वल्ली, हे वल्ली, हे वल्ली क्या कर रही है? वल्ली मत जा। रोजा, अरे रोजा। हाँ यार, छोटे बच्चे की तरह खेलते हुए आ रही है, कभी इमली का पेड़ नहीं देखा क्या? चला जा। आ रही हूँ पिताजी। चल 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 चल, गाँव आ गया देख। हाँ गाँव आ गया है, गाँव देखकर लग रहा है मैं 3 बज की रोटी तो मिल ही जाएगी। अरे हिच, अरे चल धक्का लगा बेटी। मामा जिस गांव में हम जा रहे हैं वो शेर के मान में हाथ डालने जैसा है। हाँ मामा, मैंने सुना है इस गांव के लोग बहुत खतरनाक हैं, अगर पकड़े गए तो पत्थर से मारेंगे या लाठी से पता नहीं। हम जो करने निकले हैं करके ही रहेंगे, एक टपली मारूंगा और छोटा हो जाएगा। मुंह बंद कर और चल। इस घर में आग लगा देंगे तो सारे गांव वाले यहीं आ जाएंगे इस घर की आग बुझाने के लिए, और हम अपना काम करके चुपचाप निकल जाएंगे। क्या बोलते हो मामा? चलो चलो अपने अपनी जगह जाओ। चलो 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 चलो।
अरे बाप रे, अरे आग लग गई, झोपड़ी भी आग लग गई, चलो आग लग गई, भागो, अरे इस घर में आग लग गई, जल्दी आओ रे, बचाओ, कोई बचाओ। इसे देख यार, गोदी में उठाकर बह भागा और पानी ये पी रहा है। क्या यार, रात होते ही भागना पड़ता है। आज इतना ही मिला। अरे यहाँ देखो, पढ़ाई करने वाले बच्चे का झोला लेकर आ गया। और क्या करता, जो हाथ लगा वो ले आया। ये देखो। अरे यार ये तो नकली नोट है। मैंने पहले ही कहा था, उस गांव के लोग बहुत खतरनाक हैं। उन लोगों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पुलिस में? हाँ। क्या हम दोनों जाकर? एक दूंगा ना तुझे बस। क्या मामा, इसके साथ धंधा कर सकते हैं क्या? साहब अपनी किस्मत है यार, क्या अबे करें? वो नकली नोट नहीं है, असली हाँ? नोट है, विदेश का नोट है वो। हाँ? चल अपना काम कर। अरे हम लोग तो दिन में आसपास के गांव में भी नहीं जा सकते, इस नोट को बदलने के लिए विदेश कैसे जाएंगे यार? सही कहा मामा, माता के मंदिर में डाल देते हैं, आगे का वो देख लेंगे। हाँ ये सही रहेगा। हाँ। हैं? ये है क्या? अरे यार तू भी ना। अरे यार ये सिर्फ बोल बच्चन है। कौन मैं? फिर क्या? मैं और क्या बोलूं, जाके पूछताछ कर जा। ठीक है। क्या है देखते हैं चल। क्या यार, एक गांव के रहने वाले हैं, कार से उतर रहा हूँ, खुश होने के बजाय जल रहे हो। हुँ? हुँ? ये क्या कर रहा है मामा? क्या देख रहा है, रास्ते में ये घास खा रही थी, बैक सीट खाली थी, इसलिए इसे बिठा कर यहाँ ले आया। क्या है ये? आता हूँ। हे भगवान, इस बच्चे का ध्यान रखना, जब शिकार पे जाता हूँ तो मुझे सही सलामत घर तक पहुँचा देना। आपका जो हिस्सा है वो चार में से एक आपको दे रहा हूँ, देख लो भगवान। बड़ा हाथ मार रहा है, निकला यार। ए भगवान ध्यान रखना। ये तो बड़ा उस्ताद आदमी है। अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। मैं कह रहा हूँ ना, इसने बहुत बड़ा हाथ मारा है तभी ये बड़ा आदमी बना। कैसी बातें करते हो, हमारे ऊपर माता का आशीर्वाद है, हम भी बड़ा आदमी बनेंगे। ये क्या है? थाली। इस थाली से हम क्या कर सकते हैं? खाना खा सकते हैं। अरे वो तो हम बाद में खाते हैं, पहले तो यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग खड़े हैं उनसे जो रुपये पैसे मिलते लेकर आ। ओ बड़े भैया, छोटे भैया, बड़ी बहन, छोटी बहन, आप सब लोगों ने ये तमाशा देखा, खेल देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा तो पैसे दीजिए, नहीं लगा तो पैसे मत दीजिए। इसके 300 ही मिलेंगे। ये क्या है सेठ जी, सोने को लेकर आते हैं तो बोलते हो सोना मिसिंग है, चांदी लेकर आते हैं तो बोलते हो सिल्वर मिसिंग है, इसमें तो कोई मिलावट नहीं है ना, एकदम सुर में गाना गाता है, थोड़ा बढ़ा कर दो ना। अरे इस डब्बे को रख कर क्या मैं गाना सुनने वाला हूँ क्या? तुम पहचान के हो इसलिए ले रहा हूँ, इसमें बैटरी है जो मेरे काम आएगी, पर न जाने ये कब बिकेगा। ए ये अपना दुकानदार है, ये ऐसा नहीं करेगा। झूठ नहीं बोलेगा क्या? अच्छा तो ये बता कि गले की चाबी कहाँ रखता है तू? हर जो लाउड स्पीकर पड़ा है उसे अंदर देकर यहाँ से निकलो मेरे बाप। चलो, चलो रे, चलो। आज का इंतजाम तो हो गया। मैं नादान नहीं हूँ जो मुझे बेवकूफ बना सके, मैं कौन हूँ बताता हूँ। नहीं पिताजी, कोई भी पास मत आना मेरे। बात तो सुनिए पिताजी। जिसने लिया उसने तुम्हें देखा है ना बेटी? ओहो जुलूस लेकर आ रहा है, दिखाता हूँ अभी सबको मैं। पिताजी जो कर रहे वो अच्छा नहीं है भाई,
अच्छा नहीं है ना, मैंने ये बोला था। ए रुक, देखा ना जो तू बजा रहा है इस बुड्ढे को पसंद नहीं आया, मारूंगा एक बस, ठीक से बजा, चल बजा बजा बजा। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कल रात जो तुम लोगों ने किया है ना वो सही नहीं किया है, ये बोल रहा हूँ। अरे मैंने कुछ नहीं किया। मैंने भी कुछ नहीं किया। मेरे बारे में सोचेंगे, मेरे बारे में सोचेंगे, गांव वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे है? अरे चलो चलो भागो यहां से। अच्छा है, भाग गए। हाँ भाग गए। आज मैं इनके जरिए कमाने वाला था, बिगाड़ दिया ना, आज की कमाई तो गई। अगर तू हमारे एक वक्त के खाने पर मिट्टी डालता तो चल जाता, लेकिन तूने हमारे पेट पर लात मार दी है, मेरा माइक से ट्रेडी बॉक्स सब कुछ उठा कर ले गए रात को। अरे क्या कर रहा है? अरे यार ये हम सबको चोर बना रहा है और तू सिर्फ सुन रहा है। छोड़ेंगे नहीं इसको, मानेगा नहीं तू। अरे दुण 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 दुण। अरे मत मारो भाई, रात का नशा उतरा नहीं होगा इसलिए बोल दिया, आपके जैसा बोला पर आपको नहीं बोला, आप नहीं है भाई, सच कह रहा हूँ, गलती से इन्होंने आपको बोल दिया ना, मैं नहीं था ना। ऐसा नहीं बोलने का, कभी किसी का दिल दुखाने का बात नहीं करने का, समझा? चल निकल, चल निकल, 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 जाना इज्जत से, चल, हम लोग गरीब हैं, सब लोग हमें मार रहे हैं, अगर मेहनत करके कमाते ना तब पता चलता, मेहनत करके कमाते हैं हम लोग, समझे? कभी मिल के घूम के देखना नहीं, चल निकल ले। तू क्या देख रही है? तू भी जा, जा, चल। मेहनत करते हैं, फिर वो सब कमाया था हमने। अरे निकल। देखना तुम लोग कभी सुखी नहीं रहोगे। अरे बाप रे, बहुत अंदरूनी मार मारी है उन लोगों ने, बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये ले, मुझे नहीं चाहिए। पी लेना बेटी। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें पी लो। ए, मुझ पर हाथ उठाया है रे, हाथ उठा दिया मुझ पर। ये ले, बापू के लिए। वो बहुत पी चुके हैं बेटी, तू पी ले। ए, इतनी प्यारी प्यारी बच्चियों को चावल का पानी पिलाने के लिए मजबूर कर दिया है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। ए, मैं हाथ फैलाकर भीख मांगने वाला आदमी नहीं हूँ, लोगों की तालियां लेने वाला कलाकार हूँ। राज कपूर की मेरा नाम जोकर और धर्मेंद्र की धर्मवीर, दोनों को मिलाकर बनने वाला मैं हूँ। मेरे ऊपर हाथ उठा तूने। बापू कंट्रोल करो खुद पर। मुझे इतना गुस्सा आया ना, उसको पकड़ कर रोड पर पटक कर पैर से उसे गोबर की तरह मसल देता मैं, लेकिन तुमने रोक दिया। अरे नहीं, तेरे पैर गंदे हो जाएंगे। यहाँ तू बापू बापू करके गुस्सा कर रहा है। ए बेटे, कल मेरी इतनी गंदी तरह धुलाई की उन्होंने, तब तुझे गुस्सा नहीं आया? एक भी शब्द नहीं कहा तूने, क्यों? बापू, नाचने को बोला मैं नाचा। हाँ भाई। गाने को बोला मैं गाया। लेकिन तुमने उसे मारने को बोला क्या? सत्यवान का बेटा है तू। इस बाप से एक शब्द सुनने के लिए रुका हुआ था तू। मेरा बेटा। वो कब से बकवास किए जा रहा है और तुम क्यों उसका साथ दे रहे हो? चोरी किसने की है सब पता है, उससे कैसे लेना है ये भी जानते हैं। ज्यादा बकबक मत करो वरना मार खाओगे। हाँ मुझे भी लेना आता है। अरे गाड़ी अच्छी है ना, सागवान की लकड़ी से बनी लगती है। बाप रे, गाड़ी नहीं लग रही है, रात होने दे, देख लेंगे। आज तो रात की नींद गई। सब विदेशी है, 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 देख लो देख लो देख लो। भाई सब गुजरात का माल है क्या? क्या भाई, गुजरात विदेश में है क्या? अभी तो मैंने धंधा शुरू किया है। गुजरात देश में है या विदेश में ये तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, मुझे धंधा करने दे। सर पर भी पहन सकते हैं, होश गिरने पर आप इससे अपने शरीर को ढक सकते हैं। आप इसे मंत्री एमएलए को पहना देंगे तो गाँव में तुरंत बिजली और पक्की सड़क बन जाएगी, इतना लक्की शॉल है ये। अब ये क्या बोलेगी, क्या है? तुरंत ये सारे कपड़े बांध कर यहाँ से चलते हैं, वरना सारे कपड़े गायब हो जाएंगे। इस गांव में रहने वाले सभी लोग चोर हैं। जलन हो रही है, कहीं मैं धंधा करके आगे न बढ़ जाऊँ, इस बात से जलन है। गोरी लड़कियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये बुजुर्गों ने कहा है। मैं व्यापारी हूँ। अरे आइए आइए, ले जाइए, ये बाहर गाँव की चादर है, ठंडी के मौसम में इसको लेकर सोओगे तो गर्माहट रहेगी, हर एक घर में ये होनी चाहिए। बहुत लक्की चादर है ये, बहुत ही कम दाम में इसे खरीद लीजिए। आइए आइए, ले जाइए।
एक ही मौका है, बस एक ही बचा है। आइए आइए साहब। लगता है पिताजी लेने वाले। एक अच्छा सा कपड़ा मुझे चाहिए, कम कीमत में एक धोती और एक गमछा दे दीजिए मुझे। ऐसा है क्या? अभी लीजिए, ये लीजिए, अब बोनी कर दीजिए। इसका रंग तो नहीं उड़ेगा ना? क्या भाई, दुनिया का पहला इंसान तू है जो ये पूछ रहा है कि सफेद रंग से रंग जाएगा क्या? वो क्या है कि सारे रंगों की गिनती में सफेद रंग भी तो एक रंग होता है ना। बस इसीलिए मैंने पूछा कि इसका भी रंग उड़ेगा या नहीं। अरे सुबह समय कौवे की तरह चिल्ला रहा हूँ। वो क्यों? अरे धंधा नहीं हुआ इसीलिए। अब आप इस गांव में आ गए ना, सूरज निकलने पर देखना आपके धंधे का क्या होता है। अरे भाई क्या इस गाँव में सुबह में ही धंधा होता है? बताता हूँ मैं, बताता हूँ कौन हूँ। भेड़ बकरी बेचा, गाय भैंस को बेचा, हंडिया बर्तन बेचा और 10% ब्याज पे उधारी लेकर मैं ये कपड़े का धंधा शुरू करने इस गांव में आया। तो गांव वालों ने मुझे बहुत मारा। बताकर नहीं मार सकते थे क्या? नाक में मारा, कान में मारा, आँख में मारा। अरे किसको मार रहे हो? अभी देखो किस किस को कहां कहां मार पड़ने वाली है। अरे अरे देखो मिल गया है। अरे ये देखो 1-2 रुपया मिल गया। अब तुम लोग देखना यहाँ कैसे खून की नदियाँ बहेगी, नहीं तो मेरा नाम बदल देना। अरे ये क्या है? हाँ ये औरतें जो साड़ियाँ पहनकर जा रही है वो मेरी है। अरे पूछूंगा तो तुम लोग छोड़ोगे क्या? एक नंबर के कमीने हो तुम लोग, कहे थे कि जोरों से धंधा चलेगा। अरे किस पे चिल्ला रहे हो? अपने को दे रहा हो, खुद को दे रहा हो, किसी को बीच में आने की जरूरत नहीं है। एक कपड़े के व्यापारी को ऐसे कपड़े फाड़ कर धुलाई करने वाला ये पहला गाँव होगा। इधर है फोन। भाई आप दिखने में अच्छे इंसान लग रहे हो, अब आप ही मेरा इंसाफ करो। कपड़ों की गठरी रखकर मैं सोया था, सुबह उठकर देखा गठरी नहीं थी। गठरी किधर गई नहीं पूछ सकता? अरे भाई जब मैंने उनसे पूछा तो औरतों को भेजकर उन्होंने मुझे पिटवा दिया। अगर मारने का ही फैसला किया था तो 4 आदमी को भेजकर मारते। उधर से औरत आकर मार रही थी, इधर से औरत मार रही थी। अरे ये बात पूरे गाँव में नहीं फैल जाएगी क्या? गाँव की औरतों ने तुम्हें मारा ये कहकर मेरी बीवी भी मुझे मारेगी। भाई ये कहाँ का न्याय है? भाई हम लोग उन्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। भाई देखिए मैं क्या करता हूँ, अभी के अभी पुलिस वालों को बुलाता हूँ और सबको अंदर करवाता हूँ। अरे रे 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 हेलो। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पैसा भी नहीं आ रहा है। मेरी रोजी रोटी उसकी वजह से चलती है। अरे कुछ नहीं होगा भाई, आप फिक्र मत करो, 1 रुपया है मेरे पास और 1 रुपया है मेरे पास। अभी भी कोई आवाज नहीं आ रही। अब पैसा भी वापस नहीं आ रहा। हेलो, ये पुलिस स्टेशन है ना? अरे मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, मुझे कपड़े लिखवानी है। मेरी बात सुन। क्या है भाई? वो फोन नहीं है, वो दान पेटी है। दान पेटी है? काली माता की दान पेटी है? क्या बबुल का पेड़ लगाएंगे तो आम थोड़े मिलेगा? आपका गांव अच्छा है? बहुत अच्छा। कौन है बाहर जो इतनी बड़बड़ कर रहा है? अरे बाप रे। क्या है? मुझे मारोगे तो भी चलेगा, पर मैं कसम खाकर कहती हूँ तुमने ही हमारा माइक सेट लिया है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। चर्बी चढ़ गई है क्या? हाँ मैं तुझे चोर दिखाई देता हूँ। सुबह सुबह नींद खराब कर दी। क्या लड़की है। दोबारा चोर बोलना नहीं मुझे, ठीक नहीं होगा। चल जा घर अपने। अगर तुमने सच में नहीं लिया है तो कसम खाकर कहो। तुमने ही लिया है, मैंने देखा था। अगर मैं चिल्लाती तो पूरे गांव वाले आ जाते और गांव वालों के सामने तुम चोर कहलाते। मेरी वजह से किसी की बेइज्जती हो मैं नहीं चाहती, इसलिए मैंने माँ पिताजी को भी नहीं बताया। वो तुम्हारे लिए मामूली चीज होगी, लेकिन हमारे लिए 3 वक्त का पेट भरने का जरिया है, वो हमारे लिए सब कुछ है। मैं हाथ छोड़ती हूँ, वापस दे दो। वो सब मैंने नहीं किया, चोर नहीं हूँ मैं। चोर बोलती है। अगर लड़की नहीं होती ना तो बताता तुझे अभी। चल जाए यहाँ से। सुबह सुबह आकर के चोर बोलती है, दिन खराब कर दिया पूरा है। मेरा सर घूम रहा है, अरे सब कुछ घूम रहा है। अरे दे दे दे। एक बार गया तो वापस नहीं मिलेगा, शाम होते ही गायब हो जाएगा। तूने बोला था यार। फिर पुलिस स्टेशन क्यों गया था तू? बोल क्यों गया था? अरे इस गांव में व्यापार नहीं करूंगा, अंदर भेज के अकेले व्यापार करना चाहता हूं। अच्छे दिन आने वाले हैं।
अरे भाई कब अच्छे दिन आएंगे? देख तो रहे हैं अच्छे दिन। तुम्हारे लिए भी कोई चक्का है क्या? आप चुप रहिए मालिक। मालिक आप सबकी शक्ल में लक्ष्मी जी का रूप दिख रहा है मुझे। आप लोग इस शनि के साथ क्या कर रहे हैं? अरे यार सुबह से हमने तो ब्रश भी नहीं किया और ये पुजारी कह रहा है कि हमारी शक्ल में लक्ष्मी सरस्वती डांस कर रही है। आपको यकीन नहीं आया ना? ए, कौन है तू? अकेले में कबड्डी खेल रहा है? मैं अभी शनि को भगाने वाला हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा। समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहा है, ये तो मंत्र पढ़ रहा है। जय भैरव काली माँ। देखा मालिक इसके मुंह से कितना खून निकल रहा है। आप लोग यहाँ खड़े मत रहिए, यहाँ से चले जाइए। अरे ये शनि के बारे में बात कर रहा है, भैरव काली भी कह रहा है, मुंह से खून भी निकल रहा है। चलो 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 चलो। अरे मालिक उठिए ना, खोल दिया, उठ जाइए। तुमने मेरा हाथ खोला वो तो ठीक है, लेकिन मेरे मुंह पर पत्थर क्यों मारा भाई? मैंने पहले ही कहा था कि हमें उस गांव में गुजारा करना है, ज्यादा मचमच मत करना। ऐसे लड़कियों की तरह मत रो, पहले अपने आंसू पोछो। बहुत दर्द हो रहा है क्या? पूरे गांव वालों ने मिलकर धोया है, दर्द नहीं होगा क्या मुझे? चेहरे पे भी मारा है क्या? हाँ बापू जरूर मारा होगा। अरे रे 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 रे, दिन में कुत्ते परेशान करते हैं और रात में भूत, क्या जिंदगी है मेरी, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। अरे मैं भी आप ही लोगों की तरह इस गांव में चार पैसे कमाने आया हूँ, जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ, कुछ गलत है क्या? अरे बताइए ना क्या हुआ, मैं अकेले ही बोले जा रहा हूँ, आप सब बोलते ही नहीं है, मौन व्रत है क्या? इससे पहले इस गाँव के बारे में जानते थे क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो कमाने आया हूँ ना। वो ठीक है, जब तुम इतना पक्का फैसला करके आए हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ। आप इतने दुखी क्यों? देखो भाई, साइकिल से कपड़े का व्यापारी धंधा करने आया था, यहाँ से पैदल गया वो, तुम तो पैदल आए हो, पहनने के लिए लंगोट बचा कर रखना। इस तरह मुझे डराइए मत, उम्मीद से सो जाइए, सब कुछ ठीक होगा, मुझे चेतावनी दे रहे हैं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उम्मीद? ये उम्मीद कह रहा है, किस्मत इसकी पगड़ी भी नहीं छोड़ेगी। क्या ये? हमने गांव गांव जाकर मेहनत से जितने पैसे कमाए थे उनमें से बचाए हुए पैसे हैं। मन्नत के जो पैसे थे वो भी इसी में हैं। तुमने हमारे साथ जो किया वो भूलकर और इसे ही अपनी किस्मत समझकर हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं, अब शायद कभी वापस ना आए। ये लो पकड़ो। तुमने चोरी की ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। ये ले पकड़ना। मैंने लिया, क्या करेगी तू? जिसको बोलना जाके बोल दे, मार डालूंगा तुझे। बढ़िया ही।
हुआ महाराज इस वक्त यहाँ? बहन जी भूख लगी हुई थी, सोचा कुछ खाने के लिए मिले तो। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब देखो हमारे पीछे पड़े रहते हो, आखिर बात क्या है? तुमसे ही पूछ रहा हूँ। कोई खास बात नहीं है, इसमें धार थोड़ी कम थी, वही तेज कर रहा था। आप सो जाइए ना, सो जाइए। अरे परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, तेरे पास है क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं है यार। जेब में पैसे ना हो तो बाहर क्यों आते हो? तुम सब जिंदा क्यों भाई? अरे पुलिस आ रही है। अरे बोलिए, ये इधर पुलिस क्यों आई है? हाँ पता नहीं, यही है इन सबकी वजह से। यही लोग हैं सर, ने पकड़ लीजिए सर। अरे सर, अरे बाप रे, ये सब तो भाग गए सर। एक तो लंगूर के बच्चे की तरह भाग रहा है, आपने तो कहा था आपके हाथ से कोई नहीं बच सकता, और आप यहाँ आकर सो रहे हैं सर। कहाँ गए बोलूं? उन्हें पकड़ के रखो, छोड़ना मत, ढूंढो कहाँ भागे सब। सर सर, आप नीचे तो उतरिए सर। पकड़ लीजिए सर, पकड़ लीजिए सर, उन सबको पकड़ लीजिए। छोड़ूंगा नहीं मैं, उन्हें पकड़ के ही रहूंगा। बोलिए मत सर, करके दिखाइए सर। इस तरफ गए ना सर? उस तरफ से नहीं, इस तरफ से भागे। अच्छा, इस तरफ गए। ए या जूनियर, क्या पकड़ पाएगा? ए कहां भागता है? चल 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 चल, जल्दी 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 मामा, रास्ते रास्ते में आ जा। कहता हूँ रुक जाओ, अगर मैंने पकड़ लिया ना, छोड़ूंगा नहीं एक एक को। अरे अरे रुक जाओ। अरे अरे बाप रे, अरे कहाँ गया वो? अरे बता के तो जाता। आसपास देखती नहीं है क्या पहले? लड़की है तू, जरा संभल के ना आया कर, लापरवाह कहीं की। किधर गया वो, किस तरफ गया? चिल्लाएगी तो जान से मार दूंगा। चुप चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। अरे बेटी, इधर से किसी चोर को भागते हुए तुमने देखा क्या? उससे बोल नहीं है, अगर हाँ बोला तो माइक सेट नहीं दूंगा। अरे बेटी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर। अरे मैं आया यही तूने नहीं देखा, तो चोर को क्या देखेगी तू? सुनो बेटी, ये पानी तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएगा। अपने पति से कहो कि तुम्हें छोड़ दे, और ये सब यहाँ नहीं करने का, दिन में भी शुरू हो जाते हैं। क्या बताऊं, आजकल के बच्चे कहीं भी शुरू हो जाते।
अरे कहाँ गया वो? उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। ए कहाँ छुपा है रे? चला गया क्या? माँ, माँ, क्या है बेटी? हम हमेशा के लिए एक जगह पर नहीं रह सकते क्या माँ? क्या बेटी, रात में क्या बड़बड़ा रही है, सो जा। मन काफी भटकता है, दिमाग स्थिर नहीं रहता है, जिसकी वजह है नवग्रह में काफी उथल पुथल। भाग्य रेखा तो दिख ही नहीं रही है बेटी, और ये सब पिछले जन्म का कर्म है। धन रेखा भी मिट गई है, जिंदगी भर हाथ फैलाना पड़ेगा। और ये जो गुरु है ना, ये शादी भी करवाता है और मातम भी। ऐसा मैं नहीं कह रहा बेटी, रेखाएं कह रही है। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्या? लेकिन हाँ? मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है। बताओ ना बेटी। एक ऐसी छत की जिससे हाँ? बरसात की एक बूंद भी घर के अंदर ना आए। एक पक्का खाना मिल जाए वही काफी है। हाँ? लेकिन साफ सुथरे बर्तन हो। खाने को जो भी मिले पर दिल में संतुष्टि रहे, ऐसी जिंदगी सिर्फ एक दिन जीना चाहती हूँ। जिंदगी भर की खुशियाँ एक दिन में पाना चाहती हूँ, बस इतना ही। हमारी रोजी रोटी चलाने वाली माइक सेट लेकर ही भाग गया वो तो। आपसे विनती है, किसी भी तरह से आप हमें वो वापस दिला दीजिए ना। आप हमें वो दिला देंगे तो मैं इस गांव की तरफ पीट करके भी नहीं सोऊंगा। देखिएगा, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, कौन लेकर गया, कहाँ गायब हो गया? वो कहीं गायब नहीं हुआ है, हम सो रहे थे तो कोई उठा कर ले गया। वो कौन है पता है क्या? और कौन होगा, वो चिन्ना ग्रुप ही होगा। अरे क्या यार, वो लोग हमें चैन से जीने भी नहीं देंगे क्या? साहब, वो बड़ी मूछे वाला जिसकी आवाज में खराश है ना, उसी का बेटा है वो। बता दिया ना, फिक्र मत कर, वो माइक तेरा क्या हुआ? अरे सुनो, साहब मैं अभी आता हूँ, आप चलिए। तो बड़े लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, और तू बीच में आकर हाथ खींच कर ले जा रही है। चलिए ना पिताजी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं यार। उन लोगों ने हमारा माइक सेट नहीं लिया है। क्या मजाक कर रही है तू? तूने तो कहा था माइक सेट उन्होंने लिया है। उन्होंने नहीं लिया है, किसी और ने लिया था, और वो मुझे मिल भी गया है। मिल गया है? आप चलिए। तुम क्या कर रही हो बेटी? मैं बाद में बताऊंगी, चलिए। तो पहले हम इस गाँव को छोड़कर जाएंगे, तब कहीं चैन मिलेगा हमें। अच्छा हुआ भगवान, इस दिशा में अब कभी नहीं आऊंगा। आजा आजा, अरे बेटी पूजा आजा। बाबा जी, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं बाबा जी, हम लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। तो इस गांव को छोड़कर जाएगी तभी सुखी होगी। आपने कभी उनके हाथ की रेखा नहीं देखी? किसके हाथ की? धर्मा। उस महान इंसान की? क्या उसके हाथ देखने की जरूरत नहीं है, चेहरे से पता चलता है। अरे बेटी, वो तो मरने वाला है, तू क्यों परेशान है उसके लिए? जा बेटी, अपना काम कर, उसका पीछा छोड़ दे। आइए 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 मेरे मेहरबानों, कदरदानों, हर किसी को मेरा प्रणाम। भाइयों, अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव भटककर आज हम लोग आपके गांव में आए हैं। चमेली का फूल, मोगरा फूल, लिली फूल, कमल फूल, चंपा फूल, इस तरह के कई फूल आपने दुकानों में देखे होंगे, आपने पेड़ पे देखे होंगे, पौधों पे देखे होंगे, बगीचे में देखे होंगे। लेकिन एक ऐसा फूल जो रस्सी पर चलने वाला है, उसको आप लोग अभी देखने वाले हैं, और वो है हमारी रोजा। आज अभी आपके सामने रस्सी पर चलने वाली है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। रोटी के लिए हमारी बेटी आज इस रस्सी पर चल रही है। बड़े लोग
हम लोग रास्ते में नाचते हैं और प्लेटफॉर्म पर सोते हैं। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो मौत। ऐसी जिंदगी हम जीते हैं किसके लिए? सिर्फ अपने पेट के लिए। हम लोग जान की परवाह किए बिना इस रस्सी पर चलते हैं। ही नहीं रही है बेटी, और ये सब पिछले जन्म का कर्म है। धन रेखा भी मिट गई है, जिंदगी भर हाथ फैलाना पड़ेगा। और ये जो गुरु है ना, ये शादी भी करवाता है और मातम भी। रोजा बेटी, इसका हौसला बढ़ाने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। देखने की जरूरत नहीं है, चेहरे से पता चलता है। वो तो मरने वाला है, तू क्यों परेशान है उसके लिए? अरे 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 रोजा, अरे लड़की गिर गई। रोजा, अरे संभालो बेटी। रोजा, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? रोजा, क्या हुआ बेटी? अच्छा बेटी, अच्छा भाई से बेटी। रोजा उठाओ, बाबा उठाओ। रोजा आजा 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 बेटा, आजा जल्दी, आराम से आराम से। अच्छा रोजा, क्या हो गया बेटी? रोजा ए पानी ला, पानी तो पानी, पानी ला, पानी पी बेटी। रोजा आंखें खोल बेटी, पानी पी, पानी पी ले बेटी। बेटा रोजा क्या हुआ तुम्हें? रोजा क्या हुआ बता? नहीं हो रहा पिताजी। बापू हाँ, तू जा बापू, तू जा। हाँ ठीक है, तुम फिकर मत करो, जो भी सोना चोरी हुआ है सब मिल जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज। पापा क्या कोशिश? किसी वॉचमैन के घर में नहीं, एसपी के घर में चोरी हुई है। आपका डिपार्टमेंट कितना केयरलेस है। तुम्हारी माँ मुझे समझ नहीं रही है, तुम भी मुझे समझ नहीं रही हो बेटी। इंस्पेक्टर को बुलाया है, उसके आते ही बात करूंगा उससे। तुम लोग अंदर जाओ। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया। आइए मिस्टर शक्तिवेल, दो दिनों के लिए मैं फैमिली के साथ बाहर गया था, इस बीच मेरे घर पे चोरी हो गई। सोचिए मेरे घर चोरी करने वाला कितना हिम्मती होगा, और वो आपके दायरे में है। शर्म आनी चाहिए आपको, मैं इस डिस्ट्रिक्ट का एसपी हूँ। अगर मेरा ये हाल है तो पब्लिक का क्या हाल होगा? ये लोग सुधर गए हैं, इंसान बन गए हैं, महान हो गए हैं, ऐसा तुमने मुझसे कहा था ना। तुम्हारी बात पर विश्वास करके मैंने गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा था इनके लिए, लेकिन क्या हुआ? मुझे तो तुम्हारी बात पर शक हो रहा है। सर मैं एक अच्छा पुलिस ऑफिसर हूँ, मैंने नाम कमाया। नाम कमा कर क्या फायदा होगा? अगर एक एसपी के घर पे चोरी हो जाए तो पब्लिक की नजर में हमारी क्या इमेज रहेगी? मीडिया हमारा नाम कितना उछालेगी पता नहीं है आपको? कल को एक पुलिस वाला यूनिफॉर्म पहनकर रोड पर इज्जत से चल पाएगा? तो मैं 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, चोरी का सामान और चोर दोनों मेरे सामने होने चाहिए। अगर यह नहीं कर पाए तो यूनिफॉर्म उतार कर चुपचाप घर जाके सो जाना, उसके बाद मुझे तुम्हारे खिलाफ क्या करना है मुझे अच्छी तरह से पता है। प्रभु सबकी रक्षा करना, सब पर कृपा दृष्टि रखना प्रभु सब पर। आइए साहब, आपने यहाँ आने की तकलीफ की, आप बोलते तो हम आ जाते। क्या चल रहा है? तुम लोग फिर पुराने रास्ते पे आ गए, लगता है चोरी करना छोड़ोगे नहीं तुम लोग। ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों ने आज तक जो कुछ भी किया उसे भूलकर तुम्हें सुधरने का मौका दिया, और तुमने क्या किया? साहब आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं। नाटक मत करो, तुम्हें लोगों में से किसी ने एसपी के घर पे चोरी की है। एसपी के घर पर? अपने लड़के लोग? नहीं हो सकता, आप फिर से इंक्वायरी करके देख लीजिए। क्या इंक्वायरी करनी है मुझे? फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक भी सबूत नहीं मिला, इसका मतलब क्या है जानते हो?
अभी मैं इज्जत से कह रहा हूँ, एक घंटे के अंदर चोरी का माल वापस करो, वरना तुम्हें पता है मैं पुलिस वाला हूँ। पूछो सबसे। ए, तुम में से किसी ने एसपी के घर पे डाका डाला है क्या? जवाब दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हम लोगों ने तो ये सब कब का छोड़ दिया है मुखिया जी, ये तो आपको पता ही है। सर हम सुधर गए हैं, जान भी चली जाए लेकिन चोरी नहीं करेंगे। हमने कुछ नहीं किया, किसी और ने किया होगा। अब हम लोग सुधर गए हैं और काम धंधे में लग गए हैं, अब हमारी जिंदगी खराब मत कीजिए। ए तू क्या बकवास कर रहा है, हमारे गांव में से किसी ने किया होगा। सर आपके सामने ही कबूल करें, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जिसके घर में जाते हो वहीं खा पी करके चोरी करके आते हो। सर हम लोग अब पूरी तरह से सुधर गए हैं, जान भी चले जाए लेकिन चोरी नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन दूसरों की गारंटी तो हम नहीं ले सकते हैं ना सर। हजार शादियां होती है तो उनमें से एक मौत भी होती है, उसी तरह किसी और ने चोरी की होगी तो हम क्या कर सकते हैं। क्या बोला तूने, हजार शादी पर एक मौत होती है? तेरे घर में शादी होगी तो क्या एसपी के घर में किसी की मौत होनी चाहिए? तुझे पता है ये किसका केस है? कोई मामूली कंप्लेन नहीं है जो मैं गांव-गांव इंक्वायरी करता फिरूं। एसपी के घर का मैटर है, 24 घंटे के अंदर चोर का पता चल जाना चाहिए, वरना इस गांव का हर एक आदमी एक बूंद पानी के लिए तरसेगा। साहब आपने मेरा यकीन नहीं किया, हमारे गांव के लड़के जहां कहीं भी चोरी करते हैं उसमें से एक हिस्सा मंदिर की दान पेटी में डालते हैं, अगर उसमें जेवर निकला तो हम आपको सूचित करेंगे। तो फिर इसमें सोचना क्या, दान पेटी को खुलवा कर देखते हैं? ये भगवान का अपमान करने जैसा होगा। चार दिन में दान पेटी खुलेगी, हम आपको बता देंगे। अब आप यहाँ से जाइए साहब। ठीक है, मंदिर की चाबी मुझे दे दो, मैं पुलिस वालों को वहाँ लगा देता हूँ। साहब हमारा यकीन कीजिए, हम माँ का मंगलसूत्र चोरी कर सकते हैं लेकिन मंदिर में चोरी कभी नहीं। सुन ले, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम में से ही किसी ने चोरी की है, तुम पर मेरी उम्मीदें अभी भी टिकी हुई है इसलिए छोड़ रहा हूँ, पर अगर हमारे एसपी साहब को पता चला ना तो पूरे गाँव को शमशान बना देंगे। कांस्टेबल जाकर दान पेटी पर सील लगा दो, जल्दी जाओ। क्या हुआ भाई, नींद नहीं आ रही है क्या? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मामा, ऐसा लग रहा है जैसे आंखों में कुछ गिर गया हो मामा। मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल सच निकला। अरे भाई तुझे तो वैसे भी हर लड़की पर प्यार आता ही रहता है, ऊपर से वो स्कर्ट वाली लड़की जिसे देखकर तू पागल हो चुका है। अरे लेकिन वो गांव छोड़ के चली गई ना, जैसे दूसरी को भूल जाता है इसे भी भूल जा। मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि कोई लड़की मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, कभी किसी ने प्यार किया ही नहीं मुझे, लेकिन मैं उसकी फीलिंग अच्छे से समझ गया। जब तक वो यहाँ थी मुझे एहसास नहीं हुआ था मामा, लेकिन आज वो यहाँ से चली गई है ना, मेरे दिल में कुछ चुभन सी हो रही है मामा। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ ही जिंदगी गुजारूंगा। एक बात सुन ले भाई, वो खाना बदोश लोग हैं, उनका कोई घर नहीं होता, और ऐसे हालात में हम लोग गांव छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकते, और अगर तू उसे ढूंढने गया तो तू फंस जाएगा, सोच ले क्या करना है। नहीं मामा, मुझे अपने आप पे यकीन है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। हाँ भाई लड़की के मामले में तो हमारी सुनता ही कहाँ है, पर कह देता हूँ आसपास के गांव वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब हम उनके हत्थे चढ़े। देख अगर तू कहीं जा रहा है ना और अपने गांव के लोगों को ही पता चला तो वो पुलिस में बताकर तुझे ही फंसा देंगे। मामा ये हमारी बात नहीं सुनने वाला, आजकल इसके दिमाग में बहुत खुराफात चल रहा है, जो भी करना चाहे इसे करने दो ना। अरे जो भी बोलना है बोलो, मैंने तो फैसला कर लिया। एक चाय देना। पहले पुराना उधार तो चुका दो, सुबह सुबह आ जाते हैं उधार की चाय पीने। भाई हाँ। अरे ओ भाई हाँ, एक चाय जरा। किस गांव से हो? अपने गांव वाला तो नहीं लग रहा। अरे वो जानकर तुझे क्या करना है, वो चाय कोई भी हो भाई साहब, आप चाय पीजिए। अरे ऐसा भी क्या पूछ लिया। लो हाँ दे दो, ये लो पियो, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, शक्कर बराबर है ना। अरे यार आपका गांव कौन सा है? उधर पूर्वांचल की तरफ। अच्छा तो यहाँ किस काम से आए हो? व्यापार के सिलसिले में। अच्छा व्यापार के सिलसिले में आया। जुबान पर लगाम नहीं रखता है, इसीलिए उस पागल ने तेरे थोपड़े पर मारा है। ले देख आ गया तेरा दोस्त। ऐसा लग रहा है इसको कहीं मैंने देखा है। आ, 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 आ,
क्या रे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें जो कुछ था पास के गांव में बजा के खाली कर दिया। अभी हमारे गांव में से पीपी करने आया क्या? नहीं, अरे छोड़ना उसे। ए, तुम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए गाय लेकर आया? नहीं भाई, हम किसी को बेवकूफ नहीं बनाते। ये पवित्र गाय है, जो मांगोगे मिलेगा। ऐसा क्या? ए मामा, जरा अपनी मनोकामना बता। आप हमारे साथ आएंगी क्या? देखा, वो खुद ही सिंह हिलाकर हाँ कह रही है। अब इसकी डोर पकड़ लगा इसे। अरे जाना, अरे छोड़ दीजिए। अरे 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 क्या कर रहे हैं? चलो मैं चलता हूँ। हे प्रभु, सबके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखना, सबकी रक्षा करना प्रभु। हाँ, हाँ, अरे ताला टूटा हुआ है। अरे अरे, दान पेटी भी टूटी हुई है। माता, अब मैं क्या करूं? मंदिर की दान पेटी से कोई सारे पैसे चोरी करके ले गया। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरी 70 साल की उम्र हो गई, मैंने आज तक ऐसी घटना कभी नहीं देखी। आज सुबह सुबह मेरी आँख फड़क रही थी, तभी समझ गया था कि कुछ अपशकुन होने वाला है। माँ की प्रतिष्ठा भी चली गई और माता का मेला भी अब नहीं लगेगा। तेरा एहसान होगा हम पर, तेरा एहसान होगा, कहेगा तो तेरे पैर भी पड़ता हूँ। मगर हम ही बख्श थे। हमारी जिंदगी से हम लोग खुश हैं या नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग साथ हैं। इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं चाहिए। हमारी खुशी को नजर मत लगाओ। जब ये बहुत छोटी थी, सिर्फ 5 साल की थी, उस समय मैंने इस लड़की को रस्सी पर चलना सिखाया था, लेकिन आज तक इसका पैर कभी नहीं फिसला। लेकिन आज इस लड़की का दिल फिसल चुका है, ये मैं जान गया हूं। देखिए, आप ऐसी बात मत कीजिए, मैं आपकी जिंदगी बिगाड़ने नहीं आया हूं। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, मैं अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूं। और यही बात बताने के लिए मैं यहां आपके पास आया हूं। मैं भी दूसरे लोगों की तरह अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं। मेरे भी रिश्तेदार हैं, लेकिन भूख लगने पर आपकी तरह खाना खिलाने वाला कोई नहीं। जब तक इस शरीर में जान है, आपकी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा मैं, और ना ही आप लोगों की आंखों में। नहीं बेटा, जब एक अच्छे परिवार में दरार पड़ती है तो वो रास्ते पर आ जाती है, और हम लोग तो पहले से ही रास्ते पर रहने वाले हैं। मेरी बेटी की जिंदगी अगर खराब हो गई तो हमारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है। अगर कोई होता तो क्या जेवर पहनाकर इसकी शादी करवा देता? अरे जाओ बापू, हम लोगों ने कितने लोगों को बिना किसी रस्म अदा किए दफना दिया है। क्या आज तक हमने उनकी कब्र की और वापस मुड़कर देखा है? हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है। आज हमारी बहन को ठिकाना मिल रहा है तो उसे जाने दे बापू। पिताजी, आज तक ना हम लोगों ने आपसे कुछ मांगा है ना आपने हमें कुछ लेकर दिया है। दीदी पहली बार आपसे कुछ मांग रही है, उसे जाने दीजिए।
क्या हुआ तुम्हें, रो क्यों रही हो? जब तक इस शरीर में जान है तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, वादा करता हूं तुमसे। चलो चलो, बिजली माला आ गया, बिजली माला आ गया, चलो उतरो उतरो, जल्दी करो, अरे जल्दी उतरो, अरे जल्दी उतरो ना, क्या कर रहे हो? क्या चाहिए आपको? वो एक मंगलसूत्र चाहिए था। ये लीजिए भाई, लव मैरिज है क्या? जी भाई। ये क्या है? तुम्हारे लिए लिया है। ओ। कितने पैसे? सिर्फ 2 रुपए। ये मेरे लिए? हाँ, और क्या? ए, इसे खुद से पहन लिया? आपने तो कहा था कि मेरे लिए। अरे मैं पहनाऊंगा ना तुम्हें। ओ, ऐसा है क्या? रुको रुको, तुम खुद पहनाओ या ये पहनाए, मंगलसूत्र एक ही बार पहना जाता है, उसके बाद उतारा नहीं जाता। रुको यहाँ। अब लग रुके 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 बहन, रुके रुके, नहीं नहीं पैसे नहीं, ये शगुन रखने नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए मुझे पैसे। चलो जो भी हो, शादी तो हो गई अपनी। ये भी रख लीजिए। अरे बाप रे, कितने सारे बर्तन हैं। कितना हुआ? 215 रुपए भाई। ये लीजिए। हाँ, लीजिए। सुनिए। हाँ? आज पहली बार मैंने नए बर्तन खरीदे हैं। मैंने भी पहली बार पैसे देकर बर्तन खरीदे हैं। चलो चलो ना। मैंने भगवान से मांगा कि हम 100 साल तक साथ रहें। आपने क्या मांगा? अपने पहले बच्चे का मुंडन यही करवाएंगे, ये माना। इसने अपना खेल शुरू कर दिया, फिर से शुरू कर दिया, अब किसको बेवकूफ बना रहा है? नया पर्स। ये कौन है? ए, तेरे में अक्कल नहीं है क्या? मैं भिखारी होने के बावजूद भी सोच रहा हूँ इसे उठाऊं या नहीं उठाऊं। पर्स तेरा है क्या? इस पर्स की वजह से बहुत लोग मुसीबत में पड़ चुके हैं। तू जा रहे अपना काम कर, जरा अपनी साइकिल को बचा ले। वो पर्स वाला आया ना, तेरी साइकिल गायब हो जाएगी। चल जाए यहाँ से। क्या चाहिए सर? अरे बहन, एक अच्छी साड़ी दिखाना। उनके लिए एक शर्ट दिखाइए ना, उनकी साइज का। ये 40 साइज का है। ये कलर नहीं चाहिए, दूसरा दिखाइए। ये वाली अच्छी नहीं है। हाँ, ये भी अच्छी नहीं है। ये देखिए सर, और ये भी देखिए। नहीं नहीं नहीं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो वाली दिखाइए ना। नहीं, ये भी नहीं। आपको कैसा चाहिए मैम? जरा ये देखिए। हाँ, ये सही है। ये कैसी है? हाँ। ये भी नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? दिखाइए ना वो, ये वाला। ये हाँ, ये बहुत अच्छी है। उस लड़की के लिए चाहिए, रात में पहनकर कहीं जाएगी तो पक्का चोर लगेगी। हाँ? रोड पर नाचने वाले पहनते, ऐसा चाहिए था। हाँ? अरे बाप रे, इस साड़ी में घूंघट निकालकर चलोगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा तुम्हें। जब आप ये शर्ट पहनकर निकलेंगे तो सारा गांव आपको देखेगा। कितना हुआ सेठ जी? 220 रुपए। किधर रख दिया मैंने? किधर था? यही तो। क्या हुआ? पर्स गिर गया।
सेठ, लगता है मेरा पर्स गिर गया कहीं। सुबह से दुकान के सारे कपड़े इधर से उधर करवा दिया और पेमेंट के टाइम पर बोलता है पर्स गिर गया। अरे चल निकल यहाँ से। सेठ जी वो, अरे कहाँ ना निकल, चल। अरे हम झूठ क्यों बोलेंगे आपसे, चलो यहाँ से। पता नहीं पर्स कहाँ पे गिर गया, हमारे ऊपर चिल्ला रहा है ये। जरा इसे पकड़ो तो, यहीं तो रखी थी। एक बार अच्छे से देखिए ना। सुनिए भाई, आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये आप ही का पर्स है ना? अरे हाँ यही तो है। उस दिन 100 रुपए देकर मेरा झोला उठा कर ले गए थे, अब पर्स देकर किड्नी ले जाओगे क्या? हाँ। मैंने सिर्फ 5 ही रुपए लिए, बाकी आपको मुबारक। अरे रुको रुको, अरे नहीं नहीं, मैंने रुपए वाला, अरे छोड़ो मुझे। क्या है ये, सिर्फ 5 रुपए के लिए उस आदमी के पीछे इतने दूर गए? वो कोई आम 5 रुपए नहीं थे। ये 5 रुपए तुम्हें याद है ना? तुमने ही दिए थे, इसके बाद से ही मैं इंसान बन गया। जिस पेड़ ने छांव दी उसी को काट रहे हो। मैंने तुम्हें नई जिंदगी की शुरुआत का मौका दिया, पर तुम लोगों ने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। में हमने सबसे पूछा लेकिन एक को छोड़कर सबने मना कर दिया। बस कर, इसी के ऊपर इल्जाम डालकर बचना चाहता है? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं इस केस में पूरे गांव को फंसा सकता हूँ, समझ गया ना? और सुन ले, इस डिपार्टमेंट का बहुत ही कड़क ऑफिसर हूँ मैं। तुम सब के ऊपर तमाम केसेस चल रहे हैं, लाइन से खड़ा करके हर एक को गोली मार सकता हूँ। साहब अभी हम 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा रहे हैं, मैं आपको वचन देता हूँ हम लोग खुद उसे पकड़कर आपके हवाले कर देंगे। उस दिन भी तुमने मुझे यही भरोसा दिया था, फिर भी दान पेटी वहाँ से चोरी हो गई ना, इसीलिए दान पेटी मैं उसी दिन खुलवाना चाहता था। अब मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं रहा। हमारे सुधरने के बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं? हमारे घर के चूल्हे पर ईमान की रोटी पकती है, उसका कारण आप हैं। तेरे घर में तो अच्छी तरह चूल्हा जल रहा है, पर मेरे घर का क्या होगा? मेरे सीनियर ऑफिसर के घर चोरी हुई है, ऐसे में वो मुझे प्रमोशन देगा? बल्कि मेरी वर्दी को उतार कर मुझे घर नहीं भेज देगा? मैं जानता हूँ तुम लोग शातिर चोर रह चुके हो, और जिस तरह से ये चोरी हुई है, इस बात की क्या गारंटी है कि चोरी तुम लोगों ने नहीं की? सर मैं कुलदेवी की कसम खाकर कहता हूँ, हम हर गांव में चोरी कर सकते हैं लेकिन अपने गांव में कभी नहीं। सुन ले, तू क्या करता है क्या नहीं मुझे नहीं पता, पर अगर 2-3 घंटे के अंदर वो चोर और चोरी की आवाज सामान मेरे हाथ नहीं आया तो मैं क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। बड़ा आया सफेदी पहनकर पंचायत करने। साहब मेरी बात, चल जाए यहां से, निकल। तुझे ये सब अच्छा लग रहा है ना? उस दिन बड़ा बोल रहा था कि तेरा बेटा ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, लेकिन आज देख पूरे गांव के सिर पर मिट्टी डालकर चला गया। क्या यार, मैं तुझे कोई दुश्मन दिख रहा हूँ जो मुझे इस तरह से बातें कर रहा है? बिल्कुल, इस बात के लिए तो मेरा दुश्मन ही है, सारे गांव वाले यहाँ दिख रहे हैं, तेरा बेटा ही नहीं दिख रहा। बता वो कहाँ पर है, बता मुझे। तेरा मतलब मेरे बेटे ने दान पेटी चोरी किया है? मैंने उसे शेर की तरह पाला है, वो भले ही भूखा मर जाएगा लेकिन दान पेटी चोरी नहीं करेगा। वो गांव में नहीं है इसलिए उस पर इल्जाम लगा रहे हो। अगर तुम्हारे बेटे ने चोरी नहीं की तो गांव में रहना चाहिए था ना, बाहर क्यों भाग गया? हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्यों गांव छोड़कर भाग गया बताओ? तुम लोग बोल रहे हो मेरा बेटा यहाँ से भाग गया, मैं बोल रहा हूँ नहीं भागा। अगर तुम लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो चलो पुजारी जी के पास, उन्होंने हाँ कह दिया तो मैं मान लूंगा। तुम लोग मेरी मर्जी के खिलाफ जा रहे हो, बकरी दिखाकर बोल रहे हो कि ये भेड़ है और भेड़ दिखाकर कह रहे हो ये बकरी है। बकरी मरने वाली है, दान पेटी से चोरी हुए पैसे अब तक किसी गांव में है, बाहर नहीं गए, नहीं गए बाहर, नहीं गए, नहीं गए। अरे नीच कहीं का, तूने ये क्या गजब कर दिया? अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया, ये सब अपने लिए ही तो किया है। पूरे गांव में हड़कंप मची हुई है, अब क्या क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। जो भी हो रहा है होने दो, आप अपने काम पे ध्यान दो, बाकी मैं देख लूंगा। पुलिस वाले के घर पे चोरी की है। ए, वहीं रुक। क्यों? अंदर क्यों आ रहा है? ए, मेरी बात का जवाब दे। क्या? ए, इसके लिए तूने ऐसा किया ना? क्यों किया तूने ऐसा? ऐसा क्या किया मैंने? ऐसा क्या किया? पूरा गांव इंतजार कर रहा है तुझे पुलिस के हवाले करने के लिए, तू पूछ रहा है क्या किया? क्यों, मुझे पुलिस और गांव वाले ढूंढ रहे हैं क्या? तू जैसा चाहे वैसे जिंदगी जिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है।
पर एक बात सुन ले, तूने जो दान पेटी चोरी की है उसके जेवर और पैसे मुझे दे, गांव वालों को देकर मैं उनसे माफी मांग लूंगा। ए, कौन सी दान पेटी और मैं कब लेकर के गया? गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। पुजारी जी ने कहा है कि चोरी हुआ सामान गांव छोड़कर नहीं गया है, ये भी झूठ है क्या? चल मान ले कि तू सच बोल रहा है, पर तेरा सच मुझे ही झूठ लग रहा है, तो गांव वाले तेरा यकीन करेंगे? ओ, नींद से उठकर कुछ भी बोल रहे हैं आप, दिमाग खराब हो गया तो ये नहीं देखूंगा कि आप मेरे बाप हैं। जाइए अंदर। ये कभी चोरी नहीं कर सकते, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। चोर की वकालत दूसरा चोर कर रहा है, तुम्हारे चलते वो मुझे इतना बोल रहा है। एक रुपए की थाली लेकर घूमने वाली जब इतने पैसे देख लिए है तो उसे वश में करना चाहती है। क्या बकवास कर रहा है? जाइए अंदर। क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास है ये सब? छोड़ दे मुझे। चलिए, काली माता के मंदिर में कसम खाता हूँ मैं, हाथ में कपूर जला के कसम खाऊंगा मैं। चलिए, हाथ छोड़ मेरा। चलिए, हाथ छोड़ मेरा। मतलब नहीं जाओगे? नहीं जाओगे ना तुम? गांव वाले कुछ भी बोल देंगे और एक बाप होकर तुम सब कुछ मान लोगे? आज मेरी माँ जिंदा होती तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरी माँ मुझे अच्छे से समझती। आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया, आज के बाद से इस घर में नहीं रहूंगा मैं। जिस दिन गांव वाले विश्वास करेंगे उस दिन मैं तुम्हें देखूंगा। चल चल मेरे साथ। जब तू मर जाएगा ना, तुझे आग देने मैं ही आऊंगा। कैसा बाप है तू, अपने बेटे पे विश्वास नहीं करते। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम नए बर्तन में खाना बनाओ तो मैं जाकर के चावल लेकर आता हूँ। ठीक है, तुम तैयार करके रखो, मैं आता हूँ। उनका भी कोई नहीं है ना? खाना खाइए ना। ये क्या हो गया? हमारे गांव में पैर रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हम लोग बोल रहे हैं तूने चोरी की है, और तू बोल रहा है नहीं की। तू वलनगर वाला है ना? वलनगर वाला है ना? तू वलनगर वाला है ना? तू एक औरत को मारा तूने? कैसा मर्द है तू? कैसा मर्द है तू? तू मर्द नहीं हो सकता तू। तू खूनी है, खूनी है, खूनी है। छोड़ मुझे, छोड़। आपको इस मंगलसूत्र का वास्ता, छोड़ दीजिए इन्हें। मत मारिए।
ज्योतिषी तेरे गांव में आकर फंस गया इसलिए मार रहा है ना मुझे? क्या चोरी किया मैंने तेरा? जब तक जाने तुझे कमा कर वापस करूंगा। बोल क्या चाहिए तुझे? अगर तू सिर्फ चोर होता तो मैंने तुझ पर थूक कर कपका भगा दिया होता। तुझे मारने के लिए मैंने ज्योतिषी का स्वांग रचाया, तेरे पीछे भिखारी की तरह घूमा। चोरी करने आया था तो चोरी करके चला गया होता, मेरी बेटी को क्यों जलाया? कौन है वहां? कौन है? ऐसा क्यों भाग रहा है ये? क्या किया है इसने? बीवी के गुजरने के बाद मेरी बेटी ही मेरी दुनिया थी। उस मासूम को माता भी आई थी, उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैं चोर जरूर हूँ, लेकिन कुलदेवी की कसम खा के कहता हूँ, तुम्हारी बेटी की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अगर तुझे अब भी विश्वास नहीं है तो मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे मार लीजिए, नहीं छोड़ दीजिए। मैं तुझे क्या क्या हाथ छोड़ूंगा? नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इन्हें, मैं कोई नहीं, छोड़ मेरा मारूंगी, छोड़ मुझे, लात मारिए इन्हें, छोड़, लात मारिए, इसे लेकर यहाँ से दफा हो जा, इससे पहले कि मेरा मन बदले। चली जा इसे यहाँ से लेकर। इस वक्त ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरी बेटी मुझे आवाज दे रही है। जा मार यहाँ से निकल, और फिर दोबारा इस गांव में कभी मत आना। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अरे इस वक्त कौन है? अरे तुम तो वही हो ना जिसे आज वहां पे सब मिलके मार रहे थे? मैंने देखा तुम्हें, लेकिन छुड़ाने की हिम्मत नहीं हुई। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? जहां तक चला जाऊं कुछ पता नहीं है। लगता है तुम्हारी नई नई शादी हुई है। रुकिए, एक काम कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। इधर पास ही मेरा घर है, जाओ आज रात वहां गुजार लो, सुबह होते ही तुम लोग चले जाना, समझ गए ना? ठीक है, ये लो पकड़ो। मुझसे इतना ही हो पाएगा, जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, ठीक है। दिया जलाओ। झेलनी पड़ रही है, अगर मैं आपकी जिंदगी में नहीं आती तो ये सब नहीं होता। Oh, my God.
तेज चलाइए ना। ए गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। अरे भाई आप लोग कौन है, हमें जान दीजिए। देखिए भाई, आधे घंटे में हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो मेरी माँ की जान चली जाएगी। भाई भाई मेरे पैसे दीजिए भाई। माँ माँ से कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे खर्च करना बहुत ही आसान। पाप कमाना बहुत ही आसान है, पर उसकी पीड़ा भोगना बहुत ही कष्टदायक। आपकी जिंदगी अपनी है, उसे किस रास्ते से होते हुए किस मंजिल तक पहुंचाना है, ये आप ही के हाथों में है।